हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों की बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा हूं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं आप लोगों की यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है कठोर एवं मृदु अम्ल एवं क्षार, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, जिसको हम HACB बोलते हैं। HACB का मतलब होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, ठीक है ना, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड है उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। ठीक है, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यहां पर मैं किसी भी टॉपिक को आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा, उसको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिससे कि हर टॉपिक आप लोगों का अच्छी तरीके से क्लियर हो और हर टॉपिक का आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है ना, आप लोगों को किसी भी चीज में रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीका से मैं आप लोगों के लिए पढ़ाता चलूं, उस तरीका से आप लोग पढ़ते रहना, ठीक है ना, और आप लोगों का हर टॉपिक बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा, और बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं मेरी क्लास को स्टार्ट करता हूं। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि इस वक्त मैं आप लोगों की बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैं आप लोगों की यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है कठोर एवं मृदु अम्ल एवं क्षार, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, जिसको हम HACB बोलते हैं। तो देखो, यहां पर दो वर्ड यूज हुए हैं, अम्ल और क्षार, ठीक है ना, इस यूनिट में दो वर्ड यूज हुए हैं, अम्ल एवं क्षार। तो अम्ल और क्षार की केमिस्ट्री को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के लिए मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को पढ़ा देता हूं, क्योंकि ये जो अम्ल और क्षार जो वर्ड यूज हुए हैं वो किसके लिए यूज हुए हैं, मेटल और लिगेंड के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को समझा देता हूं। जैसे ही आप लोगों मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, वैसे ही आप लोगों के अम्ल और क्षार की केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये जो अम्ल और क्षार जो वर्ड यूज हुए हैं वो किसके लिए यूज हुए हैं, मेटल और लिगेंड के लिए यूज हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को समझते हैं। तो देखो, मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री ये होती है, ये तो कौन हुआ आप लोगों का मेटल, और ये कौन हुई आप लोगों की लिगेंड, मैं लिख देता हूं, ये तो कौन हो गई आप लोगों की धातु अर्थात मेटल, ठीक है ना, और ये आप लोगों का कौन हुआ है लिगेंड, जिनमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि लिगेंड के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसके लिए, मेटल के लिए, ठीक है ना। देने वाला कौन होता है लिगेंड, और लेने वाली कौन होती है मेटल, मतलब लिगेंड जो इलेक्ट्रॉनों को देती है उनको मेटल अपनी खाली डी ऑर्बिटलों में लेती है, और मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस बंध को हम कौन सा बंध बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है ना, उपसहसंयोजक बंध अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और मेटल और लिगेंड से जिन यौगिकों का निर्माण होता है, जिन कंपाउंडों का निर्माण होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो उपसहसंयोजक बंध अर्थात जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, इसकी एक कंडीशन होती है कि इसके बनने में लिगेंड की हमेशा भरी कक्षक भाग लेती है और मेटल की हमेशा खाली कक्षक भाग लेती है। उपसहसंयोजक बंध के बनने में या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बनने में लिगेंड की हमेशा भरी कक्षक भाग लेती है और मेटल की हमेशा खाली कक्षक भाग लेती है, जो कि कौन सी ऑर्बिटल होती है, डी ऑर्बिटल। तो मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख देता हूं कि लिगेंड की तो हमेशा कौन सी कक्षक भाग लेती है, भरी कक्षक अर्थात फील्ड ऑर्बिटल, और जो मेटल होती है अर्थात जो धातु होती है, धातु की हमेशा खाली कक्षक भाग लेती है अर्थात वैलेंट ऑर्बिटल भाग लेती है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना, कि मेटल और लिगेंड के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिनमें लिगेंड की हमेशा भरी कक्षक मतलब फील्ड ऑर्बिटल भाग लेती है और मेटल की हमेशा खाली कक्षक अर्थात वैलेंट ऑर्बिटल भाग लेती है। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता। अरे सही बात है ना, कि जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉनों को देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहां पर लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉनों को दे रही है, तो लिगेंड तो कौन हो गया आप लोगों का, इलेक्ट्रॉन दाता अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनर, और मेटल आप लोगों की इलेक्ट्रॉन को ले रही है, तो ये मेटल हुई वो आप लोगों की इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गई अर्थात इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गई। तो लिगेंड तो देने वाली हो गई, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन दाता अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनर, और मेटल इलेक्ट्रॉनों को लेने वाली हो गई, इसलिए मेटल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्राही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि एक लुईस नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने एक बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी
क्या जो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं वो तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारों की तरह, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, अम्लों की तरह। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, एक लुईस नाम का साइंटिस्ट आया था, तो उसने अम्ल और क्षार की केमिस्ट्री को बताने के लिए बात बोली थी। उसने ये बात बोली थी कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉनों को देती है अर्थात इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करती है वो तो किसकी तरह व्यवहार करती है, क्षारों की तरह, और जो इलेक्ट्रॉनों को लेती है, ठीक है ना, या जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करती है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्लों की तरह। तो कॉमन सी बात है, यहां पर लिगेंड इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, दे रहा है, तो लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो लिगेंड हुआ ये किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षारों की तरह, और मेटल यहां पर इलेक्ट्रॉनों को ले रही है, ठीक है ना। तो लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं अर्थात एसिड बोलते हैं। तो ये जो धातु होती है, ये जो मेटल होती है, ये तो किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्लों की तरह, और जो लिगेंड होता है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, क्षारों की तरह। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से इस पूरी केमिस्ट्री को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, इस वक्त आप लोगों को पता है मैं अब बीएससी थर्ड ईयर की यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, जिसका नाम है कठोर एवं मृदु अम्ल एवं क्षार, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। तो यहां पर दो बड़े यूज हुए, एक का कौन सा बड़े यूज हुआ है, अम्ल, और एक कौन सा बड़े यूज हुआ, क्षार, ठीक है ना। तो ये अम्ल और क्षार जो बड़े यूज हुए वो मेटल और लिगेंड के लिए यूज हुए, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को पढ़ाया है, तो मैंने मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री के बारे में ये बात बोली आप लोगों के लिए कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसके लिए, मेटल के लिए। इसीलिए लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता, और मेटल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही। और लिगेंड और मेटल के बीच में जिस बंध का निर्माण होता है, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस बंध को हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसकी ये कंडीशन होती है कि इसमें लिगेंड की हमेशा वही कक्षक मतलब फील्ड ऑर्बिटल भाग लेती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिगेंड के पास में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो मेटल होती है उसकी हमेशा खाली कक्षक भाग लेती है अर्थात वैकेंट ऑर्बिटल भाग लेती है। फिर एक लुईस नाम का साइंटिस्ट आया था, उसने अम्ल और क्षार का अपने कॉन्सेप्ट दिया था, तो अपने कॉन्सेप्ट में उसने ये बात बोली थी कि बेस्ट स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों को देती है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करती है, वो तो किसकी तरह व्यवहार करती है, क्षारों की तरह मतलब बेस की तरह, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉनों को लेती है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्लों की तरह मतलब एसिडों की तरह। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर लिगेंड इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षारों की तरह, और मेटल इलेक्ट्रॉनों को ले रही है, इसलिए मेटल किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्ल की तरह, लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भाई जो अम्ल और क्षार है ये आप लोगों के दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का ये क्षार है, तो ये क्षार आप लोगों का दो प्रकार का हो सकता है, ये आप लोगों का कठोर क्षार भी हो सकता है और आप लोगों का मृदु क्षार भी हो सकता है। उसी तरीका से ये जो मेटल है अर्थात जो धातु है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्ल की तरह। तो ये अम्ल भी आप लोगों का दो प्रकार का हो सकता है, ये आप लोगों का कठोर अम्ल भी हो सकता है और ये आप लोगों का मृदु अम्ल भी हो सकता है। मैं साइड में इसको लिख देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ये जो आप लोगों की धातु है, ठीक है ना, अर्थात जो आप लोगों की धातु है वो किसकी तरह व्यवहार कर रही है, अम्ल की तरह। जो धातु है वो किसकी तरह व्यवहार कर रही है, अम्ल की तरह। ये अम्ल आप लोगों का दो प्रकार का हो सकता है, ये आप लोगों का कठोर अम्ल भी हो सकता है, ठीक है ना, आप लोगों का कठोर अम्ल भी हो सकता है और ये आप लोगों का मृदु अम्ल भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब आप लोगों का हार्ड एसिड भी हो सकता है, ये आप लोगों का हार्ड एसिड भी हो सकता है और ये आप लोगों का सॉफ्ट एसिड भी हो सकता है। उसी तरीका से जो लिगेंड होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षारों की तरह। ये जो आप लोगों का लिगेंड होता है, ठीक है ना, ये लिगेंड होता है, ये किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षारों की तरह। तो ये क्षार भी आप लोगों के दो प्रकार के हो सकते हैं, आप लोगों का कठोर क्षार भी हो सकता है, ठीक है ना, और आप लोगों का मृदु क्षार भी हो सकता है। ये आप लोगों का कठोर क्षार मतलब हार्ड बेस भी हो सकता है आप लोगों का, यहाँ पर लिख देता हूँ, हार्ड बेस भी हो सकता है आप लोगों का और आप लोगों का ये मृदु क्षार भी हो सकता है, ठीक है ना, मृदु क्षार भी हो सकता है मतलब आप लोगों का ये सॉफ्ट बेस भी हो सकता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो, बोर्ड की तरफ देखिए, एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो आप लोगों की धातु है, ठीक है ना, वो किसकी तरह व्यवहार कर रही है, अम्ल की तरह। ये अम्ल आप लोगों का दो प्रकार का हो सकता है, ये आप लोगों का कठोर अम्ल भी हो सकता है और आप लोगों का मृदु अम्ल भी हो सकता है, मतलब हार्ड एसिड भी हो सकता है और आप लोगों का सॉफ्ट एसिड भी हो सकता है। उसी तरीका से ये जो लिगेंड है वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, क्षारों की तरह। तो ये क्षार भी आप लोगों के दो प्रकार के हो सकते हैं, ये आप लोगों का कठोर क्षार भी हो सकता है और आप लोगों का मृदु क्षार भी हो सकता है, मतलब ये आप लोगों का हार्ड
बेस भी हो सकता है और ये आप लोगों का सॉफ्ट बेस भी हो सकता है। बात समझ में आ गई ना। अब आपका अगला क्वेश्चन ये हुआ कि ठीक है सर, ये तो सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ गई, लेकिन सर केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत मेटल होती है और बहुत सारी लिगेंड होते हैं, तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि किसका नेचर तो कठोर होता है और किसका नेचर मृदु होता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यहां तक तो सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ गई, लेकिन आपका अगला क्वेश्चन ये हुआ कि ठीक है सर, ये तो सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ गई, लेकिन हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि किसका नेचर तो कठोर है और किसका नेचर मृदु है। भाई केमिस्ट्री के अंदर तो आप लोगों को पता है बहुत सारी मेटल होती है, ठीक है ना, बहुत सारे लिगेंड होते हैं, तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि किसका नेचर तो कठोर अम्ल जैसा होता है, किसका नेचर मृदु अम्ल जैसा होता है, किसका नेचर कठोर क्षार जैसा होता है, किसका नेचर मृदु क्षार जैसा होता है। तो अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ठीक है ना, क्या धातु और लिगेंड की कठोरता व मृदुता का जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या आधार माना, क्या बेस माना, ठीक है ना। तो अब मैं आगे आप लोगों के लिए यह बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे पहचान करोगे कि इस स्पीशीज का नेचर कठोर अम्ल जैसा है या कठोर क्षार जैसा है या मृदु अम्ल जैसा है या मृदु क्षार जैसा है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करता हूं, मैं इस पूरे को आप लोगों के लिए मिटा देता हूं, क्योंकि ये चीजें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि किसका नेचर तो कठोर है और किसका नेचर मृदु है। चलो ठीक है, तो देखो बोर्ड की तरफ। तो देखो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं यहां पर धातु वे लिगेंडो की, धातु वे लिगेंडो की, धातु वे लिगेंडो की कठोरता वे मृदुता का, कठोरता वे मृदुता का, मृदुता का मतलब हार्डनेस और सॉफ्टनेस का, धातु वे लिगेंडो की कठोरता वे मृदुता का वैज्ञानिकों ने निम्न आधार माना, ठीक है, निम्न आधार माना मतलब वैज्ञानिकों ने क्या आधार माना, ठीक है ना, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मेटल और लिगेंड की कठोरता व मृदुता का क्या आधार माना, वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर आप लोगों के लिए चार को लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए कठोर अम्ल, ठीक है ना, कठोर अम्ल, ठीक है ना, कठोर अम्ल या कठोर धातु भी बोल सकते हो, क्योंकि धातु किसकी तरह व्यवहार कर रही है आप लोगों की, अम्ल की तरह, तो कठोर धातु भी बोल सकते हो, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए मृदु अम्ल, ठीक है ना, मृदु अम्ल, या फिर आप लोग उसको मृदु धातु भी बोल सकते हो, या फिर आप लोग उसको मृदु धातु भी बोल सकते हो, मतलब सॉफ्ट मेटल भी बोल सकते हो। चलो ठीक है, उसी तरीका से यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए कठोर क्षार मतलब हार्ड बेस, या आप लोग, आपको पता है क्षार की तरह व्यवहार कौन कर रहा है, लिगेंड, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आप लोगों के लिए कठोर लिगेंड, ठीक है ना, यहां पर मैं आप लोगों के लिए क्या लिख सकता हूं, कठोर लिगेंड, ठीक है ना। उसी तरीका से यहां पर लिख सकता हूं मैं आप लोगों के लिए मृदु क्षार, ठीक है ना, मृदु क्षार, या फिर मैं आप लोगों के लिए लिख सकता हूं मृदु लिगेंड, ठीक है ना, या फिर मैं आप लोगों के लिए क्या लिख सकता हूं, मृदु लिगेंड। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो बोर्ड की तरफ देखिए, अब मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि धातु में लिगेंडों की कठोरता में मृदुता का वैज्ञानिकों ने क्या आधार माना, वो चीज मुझे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने चार हेडिंग डाली है आप लोगों के सामने, कठोर अम्ल या कठोर धातु, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है धातु किसकी तरह व्यवहार कर रही है, अम्ल की तरह, तो ये कौन हो गए आप लोगों को, कठोर अम्ल या कठोर धातु मतलब हार्ड एसिड या हार्ड मेटल, ठीक है ना, ये कौन हो गए मृदु अम्ल या मृदु धातु मतलब सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट मेटल, ठीक है ना, ये कौन हो गए कठोर क्षार या कठोर लिगेंड मतलब हार्ड बेस या हार्ड लिगेंड, और ये कौन हो गए मृदु क्षार या मृदु लिगेंड मतलब सॉफ्ट बेस, और या आप लोग इसको सॉफ्ट लिगेंड भी बोल सकते हो। अब मैं सबसे पहले डिस्कशन करता हूं कठोर अम्ल या कठोर धातु के बारे में कि आप लोग कैसे पहचान करोगे कि इस स्पीशीज का नेचर कठोर अम्ल जैसा है, हार्ड एसिड जैसा है। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यहां पर आप लोग कठोर अम्ल की ऐसे पहचान करोगे कि वे डी ब्लॉक की धातु, ठीक है ना, जिनका विन्यास D1 से D9 का या उनका D0 विन्यास है, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन D1 से D9 का होना चाहिए या फिर उनकी डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसका D0 विन्यास होना चाहिए। तो वो सभी धातु, वे सभी मेटल किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कठोर अम्लों की तरह। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, यहां पर लिख देता हूं D1 से D9 विन्यास वाली सभी डी ब्लॉक की धातु, सभी डी ब्लॉक की धातु या बे धातु या बे मेटल या बे धातु जिनका विन्यास
डी जीरो हो, जिनका विन्यास सिर्फ डी जीरो हो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। डी जीरो को मतलब ये हुआ कि डी ऑर्बिटल के अंदर उसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जीरो होगा, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आप लोगों को पता है जो मेटल होती है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्ल की तरह, ठीक है ना। मेटल होती है वो किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्ल की तरह। यहां पर तो जो कठोर अम्ल है उनकी आप लोगों के लिए पहचान करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या बात बताई थी कि बे डी ब्लॉक की धातु जिनका विन्यास डी वन से डी नाइन का हो या उनकी डी जीरो विन्यास हो, मतलब डी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो वो सभी मेटल किसकी तरह व्यवहार करती हैं, कठोर अम्लों की तरह, ठीक है ना। तो ये तो डी ब्लॉक की बात हो गई। इनके अलावा आप लोगों की क्षार धातु भी हो सकती है और क्षारीय मृदा धातु भी हो सकती है, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप लोगों की क्षार धातु अर्थात एल्केलाइन मेटल भी हो सकती है और क्षारीय मृदा धातु भी हो सकती है अर्थात एल्केलाइन अर्थ मेटल भी हो सकती है। क्षारीय मृदा धातु अर्थात एल्केलाइन अर्थ मेटल भी हो सकती है। इनका नेचर भी कैसा होता है, कठोर अम्ल जैसा होता है अर्थात हार्ड एसिड जैसा होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि कठोर अम्ल की आप लोग कैसे पहचान करोगे कि बे डी ब्लॉक की धातु जिनका डी वन से डी नाइन का विन्यास हो या फिर उनका डी जीरो विन्यास हो, मतलब डी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो वो सभी धातु वो सभी मेटल किसकी तरह व्यवहार करती है, कठोर अम्लों की तरह, ठीक है ना। और इनके अलावा आप लोगों की क्षार धातु भी हो सकती है और क्षारीय मृदा धातु भी हो सकती है, मतलब एल्केलाइन मेटल भी हो सकती है और एल्केलाइन अर्थ मेटल भी हो सकती है। वो सभी मेटल किसकी तरह व्यवहार करती है, कठोर अम्लों की तरह। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं मृदु अम्ल की या मृदु धातु की, ठीक है ना, सॉफ्ट एसिड की या सॉफ्ट मेटल की बात करता हूं कि आप लोग मृदु अम्लों की कैसे पहचान करोगे। तो देखो मृदु अम्लों की आप लोग इस तरीके से पहचान करोगे कि बे मेटल, बे धातु जिनका डी टेन विन्यास होता है या जिनकी डी ऑर्बिटल पूरी भरी होती है, वो सभी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, मृदु अम्लों की तरह अर्थात सॉफ्ट एसिडों की तरह। देखो आप लोगों को पता है कि डी के अंदर हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो बे डी ब्लॉक की धातु जिनका डी टेन विन्यास होता है या ऐसा बोल सकता हूं जिनकी डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी होती है, वो सभी मेटल किसकी तरह व्यवहार करते हैं, मृदु अम्लों की तरह अर्थात सॉफ्ट एसिडों की तरह। अब आप लोगों को पता है कि यहां पर आप लोगों के एग्जांपल कौन हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है ना, आप लोगों की कौन हो सकती है, ZN हो सकती है, CD हो सकती है, HG हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि इनका D10 विन्यास होता है, D10 विन्यास होता है। तो ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, मृदु अम्लों की तरह अर्थात सॉफ्ट एसिडों की तरह। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि बे डी ब्लॉक की धातु जिनका डी टेन विन्यास होता है या जिनकी डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी होती है, वो सभी मेटल किसकी तरह व्यवहार करती है, मृदु अम्लों की तरह सॉफ्ट एसिडों की तरह। तो मृदु अम्लों की आप लोग इस तरीके से पहचान कर लेना, जिसमें आप लोगों की ZN हो सकती है, CD हो सकती है, HG हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तीनों ही मेटलों का D10 कॉन्फिगरेशन होता है और D10 कॉन्फिगरेशन होने की वजह से ये मृदु अम्लों की तरह व्यवहार करती है अर्थात सॉफ्ट एसिडों की तरह व्यवहार करती है। बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं डिस्कशन करता हूं कठोर क्षारों के, ठीक है ना, हार्ड बेस की, कि आप लोग कठोर क्षारों की या हार्ड बेस की किस तरीके से पहचान करोगे। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यहां पर जो कठोर क्षार की आप लोग पहचान करोगे वो पहचान करोगे विद्युत ऋणता के आधार पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर, ठीक है ना। कि बे मेटल, ठीक है ना, ध्यान से समझना कि बे लिगेंड जिनमें देने वाला फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ या नाइट्रोजन हुआ, तो वो सभी लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कठोर क्षारों की तरह, हार्ड बेस की तरह। मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, एक काम करता हूं इसको तो मैं आप लोगों के लिए मिटा देता हूं और मैं बात करता हूं कठोर क्षारों की, ठीक है ना। क्या कठोर क्षार की आप लोग किस तरीके से पहचान करोगे, कठोर क्षारों की जो आप लोग पहचान करोगे वो किसके आधार पर करोगे, विद्युत ऋणता के आधार पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर, ठीक है ना। कि बे लिगेंड जिनमें देने वाला फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ या नाइट्रोजन हुआ, या ऐसे बोल सकता हूं जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा हुई, वो कठोर क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं, हार्ड बेस की तरह व्यवहार करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों के सामने यहां पर एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, जैसे मैंने किसको ले लिया, H2O को ले लिया, ठीक है ना, यहां पर मैंने किसको ले लिया, NH3 को ले लिया, और यहां पर मैंने किसको ले लिया, F- को। तो आप लोगों को पता है कि H2O लिगेंड होता है, क्योंकि लिगेंड हम किनको बोलते हैं कि जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो आप लोगों को पता है H2O लिगेंड है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब आप लोगों को पता है कि H2O लिगेंड होता है और मेटल को इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, ऑक्सीजन डोनेट करता है। और आप लोगों को पता है
क्यों? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो ठीक है ना, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो H2O लिगेंड होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, कठोर छारों की तरह अर्थात हार्ड बेस की तरह। बात करता हूं मैं NH3 की, तो NH3 भी लिगेंड होता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो मेटल को डोनेट करता है वो स्पीसीज आप लोगों की कौन होती है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता भी ज्यादा होती है, इसलिए जो आप लोगों का NH3 है ये भी लोगों को कठोर क्षार हुआ। और फ्लोरीन के बारे में तो हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता तो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, तो इसका नेचर भी कैसे होता है, कठोर क्षार की तरह होता है अर्थात हार्ड बेस की तरह होता है, ठीक है ना। और सौबातन की एक बात ये ध्यान में रख लेना कि जिन लिगेंडों के अंदर फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट हुआ, ठीक है ना, या देने वाला आप लोगों का फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हुआ, ठीक है ना, तो वो सभी लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कठोर क्षारों की तरह अर्थात हार्ड बेस की तरह। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कठोर क्षार की आप लोग कैसे पहचान करोगे कि बे लिगेंड जिनमें देने वाला फ्लोरीन हुआ या ऑक्सीजन हुआ या नाइट्रोजन हुआ, तो वो सभी लिगेंड किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कठोर क्षारों की तरह अर्थात हार्ड बेस की तरह। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बात हो गई कठोर क्षार की या कठोर लिगेंड की। अब मैं बात करता हूं मृदु क्षार की या मृदु लिगेंड की, कि आप लोग कैसे पहचान करोगे कि इस स्पीसीज का नेचर मृदु क्षार जैसा है या सॉफ्ट बेस जैसा है। तो देखो, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके अलावा कोई और प्रेजेंट हुआ लिगेंड के अंदर और वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसका नेचर कैसे होगा, मृदु क्षार की तरह अर्थात सॉफ्ट बेस की तरह। इसमें आप लोगों का कार्बन भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है और आप लोगों का क्लोरीन भी हो सकता है। तो ये तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कठोर क्षारों की तरह हार्ड बेस की तरह, और ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, मृदु क्षारों की तरह अर्थात सॉफ्ट बेस की तरह। कि किसी भी लिगेंड के अंदर अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ या क्लोरीन हुआ, तो वो सभी लिगेंडों का जो नेचर होगा वो कैसे होगा, मृदु क्षार जैसा अर्थात सॉफ्ट बेस जैसा, ठीक है ना। और इनके अलावा आप लोगों का लिगेंड के अंदर मेटल को इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीजन हुआ या नाइट्रोजन हुआ या फ्लोरीन हुआ, तो वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, कठोर क्षारों की तरह, हार्ड बेस की तरह, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, और इनकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इन चारों को एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बार और बता देता हूं, जिससे कि ये टॉपिक भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मैंने आप लोगों के लिए ये बात बताई है कि धातु और लिगेंड, मतलब मेटल और लिगेंड, तो आप लोगों को पता मेटल तो किसकी तरह व्यवहार करती है, अम्लों की तरह, और जो लिगेंड होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षारों की तरह। ये बात किसने बोली थी, लूस नाम के साइंटिस्ट ने। तो मेटल इतनी सारी हमारी और लिगेंड भी इतने सारे हैं, तो हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि किसका नेचर तो कठोर है, किसका नेचर मृदु है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, कठोरता व मृदुता का पता लगाने के लिए उनको चार भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, कठोर अम्ल या कठोर धातु, मृदु अम्ल या मृदु धातु, कठोर क्षार या कठोर लिगेंड, और मृदु क्षार या मृदु लिगेंड। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेटल होती है वो अम्ल की तरह व्यवहार करती है और जो लिगेंड होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, क्षार की तरह। तो कठोर अम्ल की मैंने क्या पहचान बताई है, मैंने कठोर अम्ल की ये पहचान बताई है कि बे डी ब्लॉक की धातु जिनका विन्यास D1 से D9 का हो, जैसे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, अगर ये विन्यास है मेटल का, तो समझ जाना उस मेटल का जो नेचर होगा वो कठोर अम्ल जैसा होगा। या फिर डी के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका D0 विन्यास होना चाहिए, तो वो सभी मेटल किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कठोर अम्लों की तरह। तो एक तो ये डी ब्लॉक की धातु हो सकती है, या फिर इनके अलावा आप लोगों की क्षार धातु भी हो सकती है और क्षारीय मृद धातु भी हो सकती है, मतलब एल्केलाइन मेटल भी हो सकती है और आप लोगों की एल्केलाइन अर्थ मेटल भी हो सकती है, वो भी किसकी तरह व्यवहार करती है, कठोर अम्लों की तरह। तो इस तरीके से आप लोग कठोर अम्लों की पहचान कर लेना। अब बात करता हूं मैं मृदु अम्लों की, तो मृदु अम्लों की मैंने आप लोगों के लिए क्या पहचान बताई है, या सॉफ्ट आप लोगों के सॉफ्ट एसिड की मैंने आप लोगों के लिए क्या पहचान बताई है, कि बे डी ब्लॉक की धातु जिनका डी10 विन्यास है, अर्थात जिनकी डी ऑर्बिटल कंप्लीट रूप से भरी हुई है, वो सभी मेटल किसकी तरह व्यवहार करते हैं, मृदु अम्लों की तरह अर्थात सॉफ्ट एसिडों की तरह। चलो ठीक है, उसके बाद मैंने पहचान करना बताई आप लोगों के लिए कठोर क्षार, कठोर क्षार की आप लोग कैसे पहचान करोगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता क्षार किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, लिगेंड, मतलब जो लिगेंड होते हैं वो किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, क्षारों की तरह। तो बे लिगेंड जिनमें मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन हुए, नाइट्रोजन हुआ, तो समझ जाना आप लोग कि इस लिगेंड का नेचर होगा वो कैसे होगा, कठोर क्षार जैसे होगा अर्थात हार्ड बेस जैसे होगा। और इनके अलावा कोई और प्रेजेंट हुआ जैसे कि आप लोगों का कार्बन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, तो समझ जाना उस लिगेंड का जो नेचर होगा वो मृदु क्षार जैसा होगा अर्थात सॉफ्ट बेस जैसा होगा। इस तरीका से आप लोग मेटल और लिगेंडों की या अम्ल और क्षार की आप लोग कठोरता व मृदुता का पता लगाओगे। किस तरीका से पता लगेगा आप लोगों का, कठोर अम्ल का, मृदु अम्ल का, कठोर क्षार का, मृदु क्षार का, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन कर दी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना? तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।